हाय एवरीबडी दिस इज़ शिवाली शर्मा वेलकम टू जेके एस एस बी अड्डा सिक्स वन फोर आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्ज़ाम्स सो टुडे इज़ अ ग्रेट डे सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्प्रेस दिवाली एंड मे यू गेट द जॉब दैट यू हैव डिज़ायर फॉर इन दिस ईयर सो दिस इज दैट्स ऑल आई कैन विश फॉर यू सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर थ्री ऑफ जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जिसमें हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे हम 2000 कंप्यूटर एमसीक्यूज की तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो इसके ऊपर जितने भी पी क्यूज होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो दिस क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जेके एस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इस क्लास में से आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में देखने को मिलेगा इस टॉपिक में से ठीक है तो इसी वजह से आपको ये क्लास जो है स्टार्ट से एंड तक देखनी है और फिर बताना है अपना स्कोर मैंशन करके कि आपका कितना स्कोर रहा है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये पी वाई क्यू था और इस पर जेके एस एस बी ने कन्फ्यूजिंग आंसर भी दिया था तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन पता होनी चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस तो आपने बताना है इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं ठीक है तो बात करें हम इसके ऑप्शंस की जिसमें आएगा वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कीबोर्ड मोनिटर या फिर लाइट पेन तो अगर हम इसे एलिमिनेट करें तो सबसे पहले हमें ये पता चल जाता है सबको ही पता होता है कि कीबोर्ड क्या है हमारा इनपुट डिवाइस है क्या है इनपुट डिवाइस सेम जो लाइट पेन है ये भी इनपुट डिवाइस है अब बचे ये दो ऑप्शंस तो ये दोनों अगर हम बात करें तो ये सिनोनि synonym, सिनोनिमसली जो है यूज़ होता है वीडियो को हम मॉनिटर भी बोलते हैं तो इसका राइट आंसर जेके एस एस ने दिया था वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो इसके इसको जैसे मैंने बताया कि इसको हम बोल सकते हैं कि मॉनिटर भी हम इसे बोल सकते हैं और ये दूसरे तरह की ये एक डिस्प्ले होती है जैसे कि हम बोल सकते हैं डिजिटल इसको आप लिख लीजिएगा ठीक है डिजिटल प्रोजेक्टर इसे हम बोल सकते हैं ठीक है डिजिटल प्रोजेक्टर भी हम बोल सकते हैं तो इसको हम इसके साथ भी सिनोनिमसली जो है इसको भी बोलते हैं मोनीटर भी बोलते हैं ठीक है थीके? जिस तरह से मोनीटर में आपकी इमेजेस डिस्प्ले होती है ठीक है जो भी अदर कैरेक्टर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि कंप्यूटर्स में डिस्प्ले होते हैं ना जो भी आप इनपुट देते हो तो सेम आपका वीडियो में भी सेम ही रहने वाला है तो इस तरह से इस क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वीडियो ही आंसर होगा लेकिन ये मोनीटर भी इसका आंसर है तो ये एक तरह का कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं तो ये भी आप नोट कर लीजिए आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें हमने पढ़ा वीडियो हो गया मोनीटर हो गया उसके अलावा प्रिंटर ठीक है प्लॉटर फिर स्पीकर फिर हेडफोन्स फिर प्रोजेक्टर फिर जी और ब्रेल रीडर ठीक है हैप्टिक डिवाइसेस थ्री प्रिंटर कितने सारे हो गए ठीक है ये आप नोट कर लीजिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन कौन से हमने पढ़े हैप्टिक डिवाइसेस थ्री प्रिंटर ब्रेल रीडर ये आपको नहीं पता होगा बाकी जो मेन मेन है वो आपको पता ही होगा प्रिंटर प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर ट्रिपल पी जो है ना प्रिंटर प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर ये आपके क्या है आउटपुट डिवाइसेस है ये सारे हम जो मैंने अभी बताए आउटपुट डिवाइसेस है इसके अलावा जो हेडफोन्स है उसके अलावा स्पीकर हो गया ये सारे आपके हैं आउटपुट डिवाइसेस तो इसके साथ साथ तो आपको इनपुट डिवाइसेस भी पता होनी चाहिए जिसमें हमने ये पढ़ा की बोर्ड हो गया इसके अलावा आपका लाइट फैन हो गया देन इसके अलावा हम बोलें जॉयस्टिक्स ठीक है ये आपका इनपुट डिवाइसेस है माइक्रोफोन अब हेडफोन हमने पढ़े आउटपुट डिवाइस है माइक्रोफोन क्या है आपका इनपुट डिवाइसेस है स्कैनर पे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर माइस माउस आपका इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन्स कैमरास तो ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है इसके अलावा बार कोड रीडर हो गया टच स्क्रीन हो गया और इसके अलावा बस ये आपको ध्यान में रखना है जो जो मैंने बताए साथ के साथ आपको ये लिखते भी जाना है डिजिटाइज़र हो गया ट्रैक बाल एम आई सी आर ओ एम आर ये सारे के सारे क्या है आपके इनपुट डिवाइस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ड्राइंग और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज़ कॉल्ड तो ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस होती है जो भी आप इसको फिजिकल इनपुट देते हो जैसे कि प्रिंटेड टेक्स्ट हो गया या फिर ड्राइंग होगी या कोई भी दूसरी इमेजेस तो उसको वो डिजिटल फॉर्म में क्या कर देता है कन्वर्ट करता है तो उसे हम बोलेंगे स्कैनर क्या बोलेंगे हम स्कैनर तो स्कैनर और प्रिंटर जो है दोनों अपोजिट रहते हैं प्रिंटर क्या करता है आपके जो भी डिजिटल फॉर्म को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है और स्कैनर क्या करता है फिजिकल इनपुट को डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करता है ठीक है तो ये आपको मेन डिफरेंस पता होनी चाहिए इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रिंटर है तो ये दोनों आपको पहले पता होना चाहिए आउटपुट डिवाइसेस हैं ठीक है प्लॉटर और प्रिंटर तो प्रिंटर क्या करेगा आपके कंप्यूटर से टेक्स्ट या फिर इमेजेस लेके इसको आपके इसको पेपर पे कन्वर्ट करेगा लेकिन स्कैनर क्या करेगा डिजिटल फॉर्म में प्रिंटर क्या करेगा पेपर पेपर फॉर्म में यानी कि फिजिकल आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है ठीक है और अगर बात करें हम स्कैनर की और ये ओ की ठीक है ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए और प्लॉटर और प्रिंटर ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं यानी कि ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो स्कैनर का भी बता दिया प्रिंटर का भी बता दिया ओएमआर का आपको पता होनी चाहिए तो ओएमआर जो है ऑप्टिकल मार्क रिकग्नेशन यानी कि ये वो टेक्नोलॉजी है आपके paper पे जो आपके पेपर पर जो ओ शीट्स आपने फ़िल करी होती है उसको ये डिटेक्ट करती है तो ये आपको इसका भी पता होनी चाहिए ठीक है तो इसके अलावा जो है आप आ, हम बात करें प्लॉटर की तो ये भी पता होनी चाहिए तो ये बात करें अगर प्लॉटर्स की तो ये भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है ये टेक्निकल ड्राइंग के लिए या फिर सी ए डी जो एप्लीकेशंस होते हैं बड़े बड़े पेपर साइज़ पे जिस जिसपे वर्क करना होता है ठीक है पे हाई रेजोल्यूशन मेंटेन करना हो तो ये प्लाटर्स उसके लिए यूज़ होते हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए और ये क्या है आपकी आउटपुट uh, डिवाइसेस है ये प्लॉटर और ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच डिवाइस हैज़ द लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट मॉडिफाई और इरेज इट तो इसमें आपको बतानी है ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसकी ये लिमिटेशन है कि वो सिर्फ रीड कर सकती है लेकिन उस पर हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते कर सकते या इरेज कर सकते हैं तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क टेप ड्राइव या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है टेप ड्राइव तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आता तो इसको ध्यान से आप पढ़िए और बाकी की बात मैं करूँ तो इन सबको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इरेज भी कर सकते हैं अगर बात करें फ्लॉपी डिस्क की या हार्ड डिस्क की या कॉम्पैक्ट डिस्क की तो ये सारे के सारे क्या है ये बाकी ये सब क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ठीक है थेके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज एज द ट्रांसलेटर फॉर लो लेविंग प्रोग्राम लैंग्वेजेस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे हम कंपाइलर लिंकर रोडर लोडर या फिर असेंबलर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है आपका असेंबलर तो इससे आपको पता होनी चाहिए कि जो असेंबलर है वो एक तरह से क्या करता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबलर हम बोलते हैं ये क्या करता है कि आपकी जो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है असेंबलर आपकी कंप्यूटर के प्रोग्राम है जो आपके असेंबली लैंग्वेज को मशीन मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से कंप्यूटर को ये अलो कर देता है कि ताकि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके इसके हार्डवेयर से ठीक है तो इस तरह से ये आपको पता होनी चाहिए बाकी ये कंपाइलर लिंकर लोडर इनका भी हम पढ़ेंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो असेंबलर है ये लो लेविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लेकिन अगर बात करें कंपाइलर की तो ये भी कन्वर्ट करता है ट्रांसलेट करता है लेकिन ये क्या करता है कि जो भी सोर्स कोड लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि अगर बात करें सी लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इसमें जो भी कोड जो भी आ, आपका कोड लिखा होता है सोर्स कोड उसे ये ट्रांसलेट कर देता है और इसके अलावा ट्रांसलेट करेगा इसको मशीन कोड में जिससे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होगा वो उसे समझ सके तो ये आपको पता होनी चाहिए कंपाइलर एंड असेंबलर तो ये इसके रिलेटेड नहीं आगे पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंप्यूटर टू मदर बोर्ड थ्रू तो जो भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है जितने भी कंप्यूटर कम, सिस्टम में कंपोनेंट लगे होते हैं इससे हमें जो प्रोसेसर जहाँ पे मदर बोर्ड पर उस पर ट्रैवल कराना हो तो हम कैसे ट्रैवल कराएंगे तो या फिर सीमोज बसेस बेस या फिर फ्लैश मेमोरी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसका राइट right आंसर होगा आपका बसेस। तो इस तरह से ये जो है आपकी बसेस आपका कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कर देती है तो कैसे आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए तो अगर आप बात करें हम बसेस की तो ये आपको पहले पता होनी चाहिए कि डिजिटल पाथवे है ये क्या करता है कि जितना भी डेटा होता है उसे अलो कर देता है ट्रांसफ़र करना कंप्यूटर सिस्टम या फिर उसके नेटवर्क के बीच में जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बसेस के थ्रू होता है तो जितने भी कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं वो इससे बसेस के द्वारा ही कनेक्ट होते हैं आपको पता होगा जो वायर जैसी होती है और इसके अलावा ये आपको जो जितने भी रिसोर्सेस हैं उसे रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए अलो करता है और और भी इसकी टाइप्स भी आपको पता होनी चाहिए बसेस बहुत टाइप्स की होती है जैसे कि सिस्टम बस हो गया लोकल बस हो गया पेरिफेरल बस हो गया तो अगर हम बात करें सिस्टम बस की तो ये सीपीयू और जो मेन मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की उसके बीच में ये डेटा ट्रांसफ़र कराता है वो है हमारा सिस्टम बस ठीक है और भी जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उससे उसमें जो डेटा एक्सचेंज होता है ये सारा का सारा सिस्टम बस, बस जो है वो हैंडल करेगा और अगर हम बात करेंगे लोकल बस की तो जितने भी इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर सिस्टम के अगर हम बात करें इंटरनली जो कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं जैसे कि प्रिंटर हो गया हार्ड ड्राइव हो गया तो ये उसको कनेक्ट करता है और इसके अलावा पेरिफेरल बस जो है ये क्या करेगा एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया माउस हो माइस हो गया माउस हो गया और मॉनिटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा तो आपको मेन पता होनी चाहिए कि तीन तरह की बसेस होती हैं सिस्टम बस और लोकल बस और पेरीफिलल बस सिस्टम लोकल एंड पेरीफिलल सिस्टम क्या करेगा आपका जितना भी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करना होगा ये वो करेगा ठीक है उसके बाद लोकल बस क्या करेगा जितने भी आपके कंप्यूटर के इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जैसे कि प्रिंटर हो गया हार्ड ड्राइव हो गया ये उसको उसमें डेटा ट्रांसफर करने का काम करेगा और अगर बात करें जो पेरिफेरल डिवाइस पेरिफेरल बस है ये क्या करेगा आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा चलिए आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है द रेजोल्यूशन ऑफ़ लेज़र प्रिंटर्स आर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ तो इसकी रेजोल्यूशन को हम कैसे मेजर करेंगे कैसे स्पेसिफाई करेंगे तो इसके ऑप्शन में राइट right आंसर है इसका डॉट्स पर इंचेस। तो ये आपको पता होनी चाहिए इनकी पहले तो फुल फॉम लेज़र प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन हम कैसे मेज़र करते हैं डॉट्स पर इंच ठीक है उसके अलावा ये पेपर ये आपको सारी की सारी जो जितनी भी फुल फॉर्म है ये आपको पता होनी चाहिए इसको आपने एक एक वर्ड लिख लीजिए ताकि आपको बोले ना कैरेक्टर ठीक है कैरेक्टर पर मिनट तो ये सारे के सारे कैरेक्टर पर, पर मिनट और इसके अलावा ये पी पी एम पेजिस पर मिनट ठीक है ये पर मिनट वाला है और ये इंच है डॉट पर इंच है बाकी सारे क्या है मिनट मिनट वाले हैं जैसे कि लाइन पर मिनट है तो ये एक मिनट में एक लाइन को जो है करता है और इसके अलावा ये प्रिंटर प्रिंट करता है ये पेज को प्रिंट कर देता है एक मिनट में और ये कैरेक्टर को प्रिंट करता है और ये रेजोल्यूशन जो लेज़र प्रिंटर है ये क्या कैसे, कैसे इसका रेजोल्यूशन कैसे मेज़र होता है ये होता है डॉट्स पर इंचज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए अब हम बात करेंगे जो डेटा बस है वो कौन सी वो है सिंगल डायरेक्शनल है मल्टी डायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल है तो आप सबको इसका पता होनी चाहिए ऑप्शंस है सिंगल मल्टी एंड बाई तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है वो है बाई डायरेक्शनल तो डेटा जो है वो आपको रीड भी करना होता है राइट भी करना होता है तो इसी वजह से जो है डेटा बस जो है बाई डायरेक्शनल है तो बिकॉज आपको पता है कि हमें डेटा को रीड भी करना होता है और राइट भी करना होता है रीडिंग डेटा और राइटिंग डेटा और अगर हम बात करें जो डेटा बस है तो ये अलो करता है कि जो डेटा आपकी दोनों डायरेक्शन डायरेक्शंस में फ्लो करे जैसे अगर बात करें हम माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होना हो तो ये बोथ डायरेक्शन में डेटा को अलो करता है जो है ट्रांसफ़र होना या फिर मेमोरी या फिर इनपुट डिवाइसेस के बीच में जो भी डेटा फ्लो होता है अब दो तरह का जो डेटा आपको होता है जैसे राइटिंग डेटा और रीडिंग डेटा तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है तो राइटिंग डेटा में सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है इसमें सिर्फ डेटा को राइट करना होता है तो अगर हम बात करें रीडिंग डेटा की तो इस ये जो है ये डायरेक्शन किसके लिए यूज़ होती है जब भी हमें कोई कमांड दी होती है तो ये ये रीडिंग डेटा से हम ये जो डेटा को फैच कर सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में हमने कोई कमांड दी तो वो हम रीडिंग डेटा से फैच करेंगे ठीक है तो ये आपको पता होनी चाहिए बाई डायरेक्शनल तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फुल फॉर्म पे डी ए एस डी इज़ एन एक््रोनियम ऑफ डेटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस डिवाइस एक्सेस टू स्टोर्ड डेटा डेटा स्लैमिंग असेंबलिंग स्टोरेज डिस्क या फिर डेटा असेंबल इन स्टोरेज डिवाइस तो इसका राइट right आंसर है डेटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए नेक्स्ट है विच इज़ द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है तो आपको सबसे पहले तो आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इसमें जो जो भी टाइप्स है वो आपको पता होनी चाहिए तो हम क्लियर करेंगे चलिए सबसे पहले बात करें सी की तो ये कोई मेमोरी नहीं है हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क या फिर ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो इसके लिए आपका इजी क्वेश्चन है ये फ्लॉपी डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है हमारी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में तो सेकेंडरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है बाकी ये सी क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये प्रोसेसिंग डेटा को प्रोसेस करना हो तो उसके लिए काम आता है तो हार्ड डिस्क ये इंटरनल मेमोरी में आता है ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है ये इंटरनल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो ये अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो कि सी का ही पार्ट है सीपीयू के आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट तो ये सब जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जब हमने कंप्यूटर सिस्टम में करने होते हैं तो वो ए का काम होता है ठीक है तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी इंक्लूडेड है इसकी एग्जांपल आपको पता ही होनी चाहिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी तो जब भी डेटा एग्जीक्यूट एक, हो रहा होता है ना जिस टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम में तो ये वो सारा का सारा डेटा उसको स्टोर करता है उसके अलावा हम बात करेंगे रोम की तो इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते तो ये आपको पहले पता होना चाहिए ये सारी के सारी प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल्स हैं उसके बाद अगर बात करें हम कैचे मेमोरी की तो ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है और उसके अलावा हम बात करें सी रजिस्टर्स की तो ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है ठीक है तो प्राइमरी मेमोरी में आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होनी चाहिए इसमें क्या होता है ये वो मेमोरी होती है जो सीपीयू क्या करता है जिसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है ठीक है अगर कोई डेटा चाहिए होता है सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए तो वो डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से वो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है लेकिन ऐसा सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होता सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा देन वो सीपीयू में जाएगा फॉर प्रोसेसिंग ठीक है तो ये आपको पता होनी चाहिए और बस बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी मेमोरी है ये फा फास्टर होता है इसका एक्सेस टाइम यानी कि इससे डेटा जो हम एक्सेस करते हैं वो ज़्यादा फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं और ये वॉलेटाइल होती है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं ये वॉलेटाइल होती है यानी कि जैसे ही कंप्यूटर पावर आप टर्न ऑफ करते हो तो इसका जितना भी कंटेंट होता है वो आपका लूज हो जाता है ठीक है उसके अलावा एक्सेस टाइम और स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम होती है ठीक है स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम होती है सेकेंडरी मेमोरी से लेकिन जो कैची मेमोरी है आपने कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ा ये भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है इससे ज़्यादा इसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी होती है कैच मेमोरी से तो ये आपको पहले पता होनी चाहिए और ये लोकेटेड कहाँ पे होती है प्राइमरी मेमोरी ये आपका जो मदरबोर्ड होता है ना ठीक है तो जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है मदर बोर्ड ठीक है प्लानर बोर्ड भी जिसे हम बोलते हैं तो इस पे ये लोकेटेड होती है प्राइमरी मेमोरी आई होप आपको इतना जो है मैं बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा होगा और आप इसको साथ साथ में रिवाइज भी हो रहा होगा तो अगर बात करें हम सेकेंडरी मेमोरी की तो ये परमानेंटली डेटा स्टोर करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में ठीक है तो क्योंकि हमने देखा कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो वॉलेटाइल मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी क्या हो जाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो जाती है तो इसमें जितना भी डेटा होता है जब तक आप खुद डिलीट ना करो तो ये परमानेंटली तब तक स्टोर ही रहता है ठीक है अब इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इसमें आपकी आ जाती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव्स उसके बाद एस एस डी जैसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स उसके अलावा यू एस बी फ्लैश ड्राइव उसके अलावा सी डी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क डी वी डी ब्लू रे डिस्क ये सारी, -सारी computer memory, memory की सारी कंप्यूटर मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स हैं और इसके अलावा हम बात करेंगे तो बस इतना ही क्योंकि बड़े क्वेश्चन आगे वो देख लेते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेली लाइंस उन्हें हम क्या बोलते हैं ऑप्शनस है टेली कम्युनिकेशन लाइन्स के द्वारा जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है उसे आपको बताना है क्या बोलेंगे तो ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है ड्राइव बेस्ड डेटा बसेज एंड ड्राइव प्लेटफॉर्म आज आपको मैं बता दूं आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें पी वाई क्यूज भी एडिड है तो ये आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है मॉडम्स मॉडम modem एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपका डेटा ट्रांसमिट कराने में टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स के द्वारा हेल्प करती है तो इसके बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए तो मोडम के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है तो ये क्या करता है जितने भी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसको ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में ठीक है जो कि फिर फोन लाइंस के द्वारा या फिर किसी दूसरे मीडियम के द्वारा जो ट्रैवल कर सके तो क्या होता है मॉडर्म ये डिजिटल जितना भी डिजिटल सिग्नल uh, होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इसके अलावा जो मॉडर्न modern, मॉडम्स होते हैं ये आपके जो होम नेटवर्क हो गया ठीक है उस उसको ये कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से तो मॉडेम क्या करता है आपके होम नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है जिससे क्या होगा कि पहले वो क्या करेगा डेटा को ट्रांसलेट करेगा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो भी डेटा आएगा उसको ट्रांसलेट करेगा उस फॉर्म में जिसको आपकी डिवाइसेस यूज़ कर सके तो यानी कि डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ये कन्वर्ट करेगा और आपके होम नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करेगा ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बार बार क्वेश्चन में आते हैं ठीक है नेक्स्ट है फॉर कंपेरिजन एंड कैल्कुलेशन द कंप्यूटर यूजेज़ तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कंपैरिजन और जो है कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम क्या यूज़ करता है सीपीयू यूज़ करता है ए यूज़ करता है कंट्रोल यूनिट्स यूज करता है या फिर प्रोसेसर यूज़ करता है तो अगेन इस क्वेश्चन का अगेन uh, इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो जितने भी अरेथमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे कि एडिशन हो गया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन या डिविजन्स और लॉजिकल यूनिट्स जो होते हैं एंड हो गया नॉर हो गया और हो गया ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशन होंगे ये सब कंप्यूटर सिस्टम में ए एल यू यूज़ करता है तो ए एल यू इज़ अ पार्ट ऑफ सी पी यू सी पी यू इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट इंक्लूड्स ए एल यू प्लस लॉजिकल कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स में जो भी डेटा ट्रांसफर होगा उसको कंट्रोल करेगा सो so, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट गिवन डेटा इनटू तो क्या है मेन गोल कंप्यूटर प्रोसेसर का वो क्या करते हैं जितना भी डेटा होता है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ऑप्शन देखेंगे हम प्रोग्राम्स में इंफॉर्मेशन में कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी या फिर टेक्स्ट टेबल्स या फिर ग्राफ्स में तो आप जब भी भी कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हो कि आप उसको कोई इनपुट दो ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ठीक है तो ये बेसिक गोल है तो ये आपको इम्पॉर्टेंट ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगेन इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है तो जितना भी डेटा आप देते हो कंप्यूटर को वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो ये बेसिक गोल है विच among THE FOLLOWING IS NOT A PERIPHERAL HARDWARE DEVICE IN A COMPUTER SYSTEM। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी पेरीफिरल हार्डवेयर डिवाइस नहीं है आपके कंप्यूटर सिस्टम की तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पेरीफिरल डिवाइस होती है ये इसे हम पेरीफिरल हार्डवेयर डिवाइस क्यों बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम में जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से फिर कनेक्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है उसको ये इम्प्रूव करता है ठीक है तो ये पेरीफिरल डिवाइस हम इसे बोलते हैं तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट होता है इसके ऑप्शंस देखेंगे हम कीबोर्ड हो गया ऑप्टिकल ड्राइव प्रिंटर या फिर एच डी डी तो इसका पहले आपको मैं राइट right आंसर बता देती हूँ एच डी डी लेकिन आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है पेरिफेरल हार्ड हार्डवेयर डिवाइसेस पे तो इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए जिसमें कुछ आपकी इनपुट डिवाइसेस होंगी कुछ आपकी आउटपुट डिवाइसेस होंगी और कुछ आपकी स्टोरेज यानी कि मेमोरी के लिए जो यूज़ होती है वो डिवाइसेस होंगी तो इनपुट डिवाइसेस में जो हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ कंपोनेंट अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ तो इनपुट पहले आपको पता होनी चाहिए जो इनपुट देने के लिए काम आते हैं जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया माउस हो गया स्कैनर हो गया माइक्रोफोन हो गया और वेब कैम ये सब इनपुट जो है पेरिफेरल हार्डवेयर कंपोनेंट है ठीक है ये इनपुट देने के लिए काम आते हैं क्या क्या हैं दोबारा आपको लिखना है कीबोर्ड हो गया माउस हो गया स्कैनर हो गया माइक्रोफोन और वेब कैम दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस एंड नेक्स्ट आर आउटपुट डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को अलो करता है कि जितना भी डेटा दे उसको दिया गया है वो उसे प्रोसेस करके आपकी मोनिटर में डिस्प्ले करे ठीक है तो इसमें जो है डेटा जो आपको होता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो है आपकी प्रिंटर स्पीकर और डिस्प्ले यानी कि वीडियो ठीक है डिस्प्ले वीडियो नहीं हुआ डिस्प्ले आपको याद रखना है उसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस जितने भी हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर स्टोरेज एसडी कार्ड्स तो ये सब और इसके अलावा नेटवर्किंग डिवाइसेस भी होते हैं कुछ जैसे कि राउटर्स हो गया और मॉडम्स हो गया नेटवर्क कैप अडाप्टर्स हो गया तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो एच जो है ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है तो ये क्या होती है कि आपके डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस है ये जिसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हार्ड डिस्क ड्राइव ठीक है एच क्या होती है हार्ड डिस्क ड्राइव तो ये डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है जिससे आप डेटा स्टोर भी कर सकते हो और रिट्रीव भी कर सकते हो डिजिटल डेटा ठीक है नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग यही क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट है अ माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जिसे हम जैसे कि मेमोरी यूनिट हो गया एंड 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 इनपुट आउटपुट यूनिट तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं माइक्रो यूनिट प्लस मेमोरी यूनिट प्लस इनपुट कोई इनपुट या आउटपुट यूनिट इन सब को मिल के क्या बनता है इसके ऑप्शन हैं माइक्रो कंप्यूटर सी पी यू कंपाइलर या फिर ए एल यू ये सारे हमने अभी ऑप्शन से ऊपर करे कंपाइलर भी करा सी पी यू भी पढ़ा ए एल यू भी पढ़ा लेकिन अगर बात करें हम माइक्रो कंप्यूटर की तो ये इसका राइट right आंसर है ये आपको पता होनी चाहिए तो ये क्या होता है कि एक छोटा छोटा कंप्यूटर होता है लेकिन जि, कंप्लीट होता है जिस जिसमें कोई भी पर्सन जो है अगर उसको यूज़ करना हो एट अ टाइम आपका कंप्यूटर सिस्टम तो वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है इसे हम आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना पीसी वो भी बोलते हैं इसमें इसके बारे में माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आपको ये इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि जो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ना वो उससे छोटे होते हैं ठीक है और इसके अलावा इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है तो इसमें सिर्फ सिंगल प्रोसेसर यूज़ होता है तो ये आपको सब पता होनी चाहिए तो माइक्रो कंप्यूटर जो है ये आप एक पर्सन जब यूज़ करता है स्पेसिफिक uh, यूजेज नहीं बोल सकते एक टाइम पे जब हम कोई पर्सन कोई कंप्यूटर को यूज़ करेगा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर होता है और इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं जैसे कि आपके पीसी वगैरह होते हैं और ये छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये आपको पता होनी चाहिए तो नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन द डेटा बस डेटा बस में कितने बिट्स यूज होते हैं सेवन नाइन एट एंड सिक्सटीन तो अगेन इसका भी राइट right आंसर क्या है एट बिट्स यूज़ होते हैं डेटा बस में तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आपको पता होनी चाहिए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे हमने जो कवर किए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो ज़रूर अपने कमेंट सजेशंस में मैंशन कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले हम आपके डेली इसी तरह से और ज़्यादा एम सी क्यूज को लेके आए ठीक है तो आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं आज आपका फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप हमारी जो है जेके एस एस बी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे देखिए आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आपको करंट अफेयर्स आपको जी के मैथ्स आपको हर एक कॉम्पोनेंट के यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी और अभी जो है इसमें हमने एम सी क्यूज़ भी लेके स्टार्ट करे हुए हैं इसमें कंप्यूटर के टू थाउजेंड एम सी क्यूज़ अभी हम जी के भी लेके आ रहे हैं तो ये सारी की सारी क्लासेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं तो इसी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ठीक है ताकि हमारे चैनल को भी और ज़्यादा ग्रोथ मिले और हमें भी ग्रोथ मिले और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएँ ठीक है तो थैंक यू सो मच मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए हैप्पी दीपावली इन एडवांस